इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के शासकीय परिसर में वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स की जली हुई बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती की जली हुई बॉडी थाना क्षेत्र के शासकीय परिसर में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस ने कार्ड के आधार पर युवती की पहचान वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में नर्स के रूप में की। फिलहाल तस्दीक की जा रही है, ये हत्या है या फिर कोई और अन्य कारण है। बॉडी पर चोट के निशान तो नहीं मिले हैं, लेकिन जले होने के कारण पुलिस हर बिंदुओं से बारीकी से जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शॉर्ट पीएम के बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी। फिलहाल आइडेंटिफिकेशन केस की गंभीरता को देखते हुए डिस्क्लोज नहीं की गई है। ये एक शासकीय परिसर के पीछे एक डेड बॉडी की खबर आई थी शाम को छत्तीसगढ़ थाने पर। इसमें स्पॉट का निरीक्षण अभी SP साहब ने, हम लोगों ने, सभी ने किया है और डिटेल उसका एविडेंस पंचनामा वगैरह किया जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और चूँकि ये एक पतला सा रास्ता भी है, पीछे आसपास घर भी हैं, तो संभावना तो अपराध की कम लग रही है, लेकिन फिर भी हर प्रकार से हम लोग उसका एविडेंस ले रहे हैं। कुछ CCTV फुटेज भी हमें पता चला है जो कि उसके घटना के संबंध में जानकारी देंगे। तो प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर जांच की जा रही है और जैसी भी स्थिति होगी उसमें क्लियर किया जाएगा। सर, डेड बॉडी किसकी है? एक युवती की है, उसका ऐसा बताया गया है कि वो कहीं नर्सिंग में वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में ट्रेनिंग वगैरह थी। ज़्यादा जानकारी अभी नहीं आई है, पुष्ट जानकारी है और इसमें मुख्य रूप से हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं। अभी शरीर पे कोई विजिबल चोट के निशान नहीं है, लेकिन वर्म के निशान पाए गए और जो फुटेज आए उसमें भी ऐसा पता चला है कि शायद कोई किसी सहेली के साथ वो यहाँ आती देखी गई है। तो संभावनाएं सभी प्रकार की इंकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से सभी जो उसके साथीगण हैं उनकी जो उनसे बातचीत कर रहे हैं और अन्य लोगों से पता कर रहे हैं कि अगर ये सुसाइडल है या होमिसाइडल है, सुसाइडल है तो क्यों है, होमिसाइडल है तो क्यों है, सारी चीज़ें पता की जा रही हैं।